हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, स्वाध्याय के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो मित्रों, इस इकाई में गांव का नाम कौन सा है बताइए, कौन सा है? वेरी गुड, गाँव का नाम है डुमडुमा गाँव। डुमडुमा गांव में क्या परेशानी थी, क्या परेशानी थी, किस बात की तकलीफ थी गांव में? गुड, गांव में पानी की तकलीफ थी, पानी की कमी थी। तो फ्रेंड्स, स्वाध्याय में अब हम ऐसे ही प्रश्नों को सुलझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, डुमडुमा गांव की क्या समस्या थी? फ्रेंड्स, डुमडुमा गांव की समस्या क्या थी बताइए। तो डुमडुमा गांव की समस्या थी कि वहां पानी की कमी रहती थी। डुमडुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे? तो क्या नहीं कर पाते थे बच्चे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा सवाल है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? सोचिए, रजिया ने क्या कहा था, उपाय क्या बताया था? तो उत्तर आएगा कि रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा था। चौथा सवाल, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? फ्रेंड्स, कौन कौन से साधन लाए थे आपको ये स्वयं ढूंढ कर लिखना है। पांचवा सवाल, तालाब में बरसात का पानी भरने से डुमडुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? तो दोस्तों, बरसात का पानी तालाब में गिरा, यानी कि वहाँ तालाब बना, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ गांव को, वो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है। आपको पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ कर चौथा और पांचवा प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसकी हमने यहाँ चर्चा करी है। प्रश्न दो, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं और यह वाक्य कौन बोलता है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि नंबर एक, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, यह वाक्य किसने बोला है? तो यह वाक्य बिल्लू कहता है। दूसरा सवाल है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। तीसरा है, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, तो ये वाक्य कौन कहता है ये भी आपको स्वयं पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिन शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखने होंगे। शब्द पढ़ेंगे, डुमडुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा बताओ मुझे? गुड, पहला शब्द है कड़ाही, फिर है छपाछप, फिर आएगा डुमडुमा, बादल और लहलहाए। तो इस प्रकार शब्दकोश के क्रम में ये शब्द आएंगे। प्रश्न नंबर चार, गुजराती में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आप पांच वाक्य देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक एक शब्द का गुजराती में अनुवाद करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये तो आता ही है, तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। पहला है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। दूसरा, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। तीसरा, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी
दूर करने की सोची। पांचवा, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। तो सभी वाक्यों के शब्द का गुजराती आपको करना है और आपको स्वयं लिखना है। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको कोष्टक में शब्द दिखाई दे रहे हैं, उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात, नीर जैसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं और यह कोष्ठक भी दिखाई दे रहा है। आपको जो शब्द है उसके नीचे उसका समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे पहला है प्रार्थना, तो उसके नीचे उसका दो जो बॉक्स दिया है उसमें आपको समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे कि प्रार्थना का समानार्थी शब्द है उपासना और स्तुति। उसी प्रकार उपाय का समानार्थी शब्द है युक्ति, तरकीब। तो इसी के अनुसार आपको पानी, बारिश और परेशान ये तीनों शब्द के समानार्थी अर्थ ढूंढ कर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6, क, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। वह समस्या क्या है? वह समस्या क्यों है? वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है? उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हो? तो फ्रेंड्स, आपके आसपास कौन सी समस्या है वो आपको ढूंढनी है। जैसे कि गंदगी है, तो वो गंदगी क्यों है, किस लिए है और उस गंदगी को किस प्रकार आप दूर कर सकते हो। किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम कूड़ा कचरा आसपास में डाल देते हैं तो यहाँ गंदगी की समस्या होती है, तो हम उसे कहाँ डालेंगे, कूड़े कचरे में, यानी कि कूड़ेदान में डालेंगे। तो इस प्रकार हम सफाई कर सकते हैं। ख, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच अथवा नगर सेवक को पत्र लिखिए। आपके गांव में, शहर में कोई भी जगह गंदगी है तो आपको वहाँ के सरपंच या फिर नगर सेवक को पत्र लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पत्र का प्रारूप देख सकते हो। यहाँ पत्र लिखा गया है गंदगी को दूर करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो कि प्रेषक यानी कि भेजने वाला, तो राणपुर के ग्राम जनों ने यहाँ पत्र लिखा है। ऊपर भेजने वाले का पता है, प्रेषक यानी भेजने वाला रायपुर के ग्रामजन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 25 जनवरी 2014, प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, राणपुर ग्राम पंचायत, विषय है कि मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में, खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है, अतः लोग इधर उधर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाए और उनकी सफाई करने का उचित प्रबंध करे, ताकि गांव स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। बवदिया, राणपुर, मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन। तो यहाँ पे हमने स्वाध्याय के सारे प्रश्न की चर्चा की। अब हम योग्यता विस्तार की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपके ज्ञान हेतु है। फ्रेंड्स, आप लोग रास्ते पर जाते हो तो वहाँ पे ऐसे कई चिन्ह संकेत आपको दिखने को मिलते हैं, यानी कि यातायात के संकेत से आप लोग अवगत हुए हो। तो यहाँ ऐसे बोर्ड लगे हुए होते हैं रास्ते में, तो उसका अर्थ क्या होता है वो अब हम इसके माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे आप संकेत देख रहे हो, तो सबसे पहला संकेत है थोबो, यानी कि स्टॉप, यानी थहड़िए, यानी कि यहाँ पे आपको रुक जाना है। दूसरा संकेत है सांकड़ो पुल, नैरो ब्रिज, यानी कि हिंदी में कहते हैं संकड़ा सेतु। आप किसी पुल पर जाते हो, ब्रिज,
और वो संकड़ा है એટલે કે સાંકળો છે તો વહાં પે એસા ચિહ્ન લગા હોતા હૈ આગે ચિહ્ન હૈ ગોળાકાર રસ્તો યાની કે રાઉન્ડ અબાઉટ જિસકો હિન્દી મેં કહેતે હૈ વૃત્તાકાર રસ્તા ફિર હૈ નેરો રોડ અહેડ યાની કે આગળ સાંકડો રસ્તો છે આગે રાસ્તા સંકડા હૈ અગલા સંકેત હૈ આગે રાસ્તા ચોડા હૈ यानी कि अगर पोहड़ो रस्तो छे ऐसा अगर है चिन्ह तो उसका मतलब ये होता है। आगे हैं प्रवेश निषेध यानी कि नो एंट्री, यहाँ पे वाहन की कोई भी एंट्री नहीं है तो ऐसा बोर्ड लगा होता है, ऐसा संकेत आपको कई जगह पे देखने को मिलता है। इसका अर्थ होता है कि दोनों तरफ रास्ता बंद यानी बन्ने साइड માટે રસ્તો બંધ છે, બંને સાઈડની અવર જવર માટે પ્રતિબંધ છે। આગે હે ફક્ત સાયકલ માટે રસ્તો યાની કે સિર્ફ ઓર સિર્ફ ઇસી રાસ્તે પર સાયકલ હી આપ લોગ ચલા સકતે હો તો ઉસકે લિયે યે વાલા સંકેત હોતા હૈ જિસકા હિન્દી અર્થ હૈ સિર્ફ સાયકલ કે લિયે રાસ્તા। આગે સંકેત હૈ जो है निषेध का संकेत यानी कि साइकिल निषेध, आप देख सकते हो साइकिल का चिन्ह है, साइकिल का चित्र है और निषेध है यानी उसका अर्थ है साइकिल माते प्रतिबंध, यहाँ पे आप लोग साइकिल नहीं चला सकते हो या यहाँ साइकिल अलाउ नहीं है। ये संकेत हमने यातायात के संकेत में सीखा है तो आप लोग यहाँ पे अवगत हुए किसी संकेत से। इतना जानिए फावड़ा यानी पावड़ो, तसला यानी तगाड़ू, कड़ाही यानी कड़ाई, कुडाल यानी कोडारी, टोकरी यानी टोपली, ये शब्द जो है वो हमने पाठ में सुने हैं तो उसका गुजराती अर्थ ये होता है जो हमने यहाँ पे इतना जानिए में सीखा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और हमने स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। अब हम नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे।